गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग जाने वाले हैं जयपुर मेरी शादी के लिए। मैं और बिम्पू सो रहे हैं मज़े से, पूरा घर उठ गया, शोर मचा रखा है। पता है सोते में ऐसे मसाज कराता है मेरे से, मैं मसाज के बहाने कूटता हूँ उसको। ये घूम रहा है गुची सुधीर के साथ। डूची डूची कर आजा। इसको मैं लेकर आया हूँ कि मेरे पास सोएगा, जब से गेट पर ही खड़ा है, क्योंकि इसको शीरो की स्मेल आ रही है। इसको मैंने ट्रीट भी देके देख ली, उसके बाद भी नहीं आ रहा। हाय मर्व, गुड मॉर्निंग। हाय पाई, गुड मॉर्निंग। पाई इधर अभी मर्व को डांट रहे बिकॉज मर्व बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आई है। तो मर्व, दिस इज नॉट डन ब्रो। हाय, बाय द वे, टाइफून को आज मैंने फिगर आउट करा कि टाइफून किसी की तरह लगता है। फिर ध्यान से देखने पता चला ही लुक्स लाइक मार्क जुकरबर्ग। देखो हेयर स्टाइल भी, फेस कट भी। नो मर्व? यस, I'm right. He's my brother. Unfortunately, sorry, is the camera. He's Mark Zuckerberg. Okay, I invited Mark to my wedding. Just because I'm an influencer, Mark is attending my wedding. Hi, Mark. Mark. Yeah. Hi, Mark. Enjoying in India? Yeah. One second. He doesn't know English. Are we sure he is Mark Zuckerberg? Actually, Mark Zuckerberg don't speak much. Okay, so you can just say, "Oh, okay." So, Mark. First of all, there was no need. Like you bought so many expensive gifts. She bought, भाई ये गोल्ड के कॉइन्स लेकर आई, गोल्ड का कड़ा लेकर आई, पता नहीं क्या क्या लेकर आई, नीतू के लिए, मेरे लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ। मम्मी को उसने गोल्ड का एक वो कड़ा वो करा है गिफ्ट विद एवरीवन्स नेम ऑन इट, लकी विकी रिकी सोनी गुड़िया। मर कॉम्पिटिशन तो यहाँ पर जोरदार सेलिब्रेशन हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको क्या बात आ रही है नहीं। कार हो गए और आप अभी तक ऐसी है। डांस करो, डांस करो यार। ढोल बजा आराम से मज रहा है। ऑस्कर और शेरों को मैंने गाड़ी में घूमने भेज दिया। अच्छा, ओए क्या डांस करता तुम यार। पापा सबको पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। तो फाइनली 3 महीने के इंतजार के बाद अब दूल्हे की पैकिंग होने वाली है। घर में सबकी पैकिंग होगी, सबकी मतलब ऑस्कर शीरो गुची जा रहे होते ना, इन तीनों की भी होगी, होती सिर्फ मेरी नहीं हुई है। गोलू बेचारा अकेले फाइट कर रहा है। गोलू, जिस हिसाब से तूने सब सामान रखे हैं, ये बैग बंद हो जाएगा? हाँ। और कपड़े नहीं बिगड़ेंगे अब? अरे मान जा। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट पैकिंग स्टार्ट हो गई है और कमाल की बात यह कि इनमें से मेरा एक आउटफिट मिसिंग है जो कि मुझे मेहंदी पर पहनना है। मतलब मेहंदी के लिए 2 आउटफिट थे, जो एक मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था वो नहीं मिल रहा मुझे। आई डोंट नो कहाँ रख दिया इन लोगों ने, अब सर्च अभियान चलेगा। यहाँ पे बहुत सारा सामान तो निकाल लिया, पता नहीं कहाँ का रख देते हैं, मुझे मिलता ही नहीं है। इधर डांस चल रहा है फुल, दिखाता हूँ आपको। ओके, मेहंदी लग रही है अभी तक भी। हेलो बम्मू। भाई शीरो मुझ पे भाग रहा है। अभी नहाने का टाइम हो गया, टॉवल मैंने ले ली, मेरे को तो सुखाम हो रहा है, छींक आ गई ठंडे पानी के नाम से ही। अभी नहाया नहीं हूँ, मुझे लगता है मेरे अंदर ही कोई दिक्कत है, ठंडे पानी के नाम से छींक आ रही है मेरे को यार। बिना नहाए क्या होगा, शादी है मेरी। वाह, अभी मैं जाने रहा हूँ नहाने के बाद, ना तो लिया हूँ हीरोपने में, अब छींक ही छींक आ रही है। पूजा के टाइम पे छींक दिया ना तो एक सांस में पापा 70-80 गालियां सुनाएंगे मुझे। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पर, सबके साथ ऐसे बैठना पड़ा है क्योंकि यहाँ सिर्फ दिल्ली तक जाना है, उसके बाद फिर कार चेंज हो जाएगी और काफी लोग बस पे आ जाएंगे। तो कुछी को छोड़ के आना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। लखन की फैमिली से सब निकल चुके हैं और हमारी फैमिली से कोई नहीं, क्योंकि हमारी बस ही टाइम पर नहीं पहुंची है, जो भी गांव के लोग जितने भी आते हैं। गाइस, हम में इतनी डेडिकेशन है डांस करने की, इतनी डेडिकेशन है। ये हम एक हफ्ते पहले दिखाते या 15 दिन पहले दिखाते तो अभी तक हम बहुत अच्छे डांस कर रहे होते। सिर्फ पता नहीं क्या है कि यार डांस करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि भागा दौड़ी बहुत हो गई थी, इसलिए बहुत ही कम डांस करने वाले हैं। और 20 तारीख के फंक्शन में ज्यादा एक्साइटमेंट ही ज्यादा, लोड कम था, इसमें लोड बहुत ज्यादा है, इसलिए डांस भी कम ही हो रहा है। यार क्या है यार, संदीप और ये डांस करने वाले हैं, जिससे मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि संदीप को आपको पता है डांस मुझसे भी बेकार आता है, बट वो करता है, उसकी ये बात अच्छी है, वो करता है, वो शर्माता नहीं है, वो कर लेता है। उस्ताद ने सिखाया मुझे। कौन से उस्ताद ने? उस्ताद माइकल जैक्सन सर। माइकल जैक्सन सर ने सिखाया मुझे। अभी अभी एक ख्याल आया मेरे माइंड में कि अभी मैं ऐसे जा रही हूँ और मैं जब आऊंगी तो मैं अलग होंगी। वाह, मैं कितनी प्रिटी होंगी ना, प्रीटी लगूंगी मैं बहुत ज्यादा। पूजा डन हो गई है, अब बस हम लोग सब घर से निकल रहे हैं यहाँ से। मुझे कुछ खाना है, बहुत ज्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि ट्रैवल करना है, बहुत एक्साइटमेंट। फाइनली अब हम जयपुर जा रहे हैं अपनी शादी के लिए। तो अभी यहाँ पर पेरिफेरल पे गाड़ी रुकी है सबकी, क्योंकि हम बस आने का वेट कर रहे हैं, फिर सब लोग साथ साथ जाएंगे जयपुर। हम लोग इस गाड़ी में है, भम्मू और पाई इस गाड़ी में है और अभी कुछ गाड़ियाँ आ रही है। यस भम्मू, शीशा नीचे करो, कैसा लग रहा है तूफान सिंह के साथ?
तूफान सिंह कौन है लोगों को बता दो। तूफान सिंह कौन जल्दी बताओ लोगों को। पापा का नाम है तूफान सिंह। गाइस यहां पर पंगा पड़ गया है, हमारी बस अभी तक नहीं आई है और वो बस वाला ना पागल बना रहा है। वहाँ की बस आ चुकी है, तभी मैं बोल रही थी वो वहाँ पर पहुँच जाए। अब सब टेंशन में, सारे लगेज ऐसे रखे हैं, सबके के लगेज ऐसे रखे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी हैं। ठीक है, तो कब से आए हो हम लोग? अब उनको तो 2 घंटे हो गया, तुम्हारी गाड़ी पता नहीं कहाँ गई। हमने कहा नीतू कहाँ गई हैं? अभी अंदर ही बैठे लोग। अच्छा चलो अंदर मिलते हैं आज। भाई पता नहीं किससे फोन पे बात कर रहे हैं। बुआ जी मन लग रहा है? ये क्या क्या लेके जा रही हो अपने साथ? अच्छा अच्छा, रूबी को तो वही छोड़िया, इसी को ले आई। इसे और दीदी को दोनों को छोड़िया हो। तू तो बहुत खुश है बहन, मैं मान गया। सबका वेट कर रहे, बस आएगी ना, सब लोग साथ ही जाएंगे। बाबूजी इस गाड़ी में बैठे हैं। हाँ बाबूजी, कुछ पानी वानी तो नहीं चाहिए? नहीं, बोतल है भाई। तुम में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही इस गाड़ी में से। क्या लगाया तुमने? चंदन की से आ रही है थोड़ी थोड़ी। ऐसी आवेगी तुम में से? ऐसी आ रही है? ऐसी आवेगी। आवेगी मतलब? अब लगाऊंगा चंदन। बढ़िया वाला। अच्छा यहाँ पर डांस, क्योंकि हम जा नहीं पा रहे। तो बस आ गई है, अब हम लोग चल रहे हैं। चलो भूख सब कुछ खिला देती है। रिकी यही सोच रहा गाड़ी कैसे रुक गई, मैंने पाई की भूख लगी जब रुक गई नहीं क्या गाड़ी रुक रही। अगर कोई और होता ना गाली देते थे, 3-4 तो खास जाते कर करके। अगर कोई दूसरा होता तो हमारी बस लेकर जो क्या हुआ, हम उसका शूट नहीं मिस करेंगे, हम बना रहे फेसबुक की वीडियो। गाइस बस आ चुकी है, मगर कोई मुझे बिलीव नहीं कर रहा, क्योंकि यकीन नहीं करते, क्योंकि मैंने बहुत बार इनको धोखा दे दिया। गाइस फाइनली वो दिन आ गया, वो टाइम आ गया जब हमारी बस आ गई है। हम इस बस का कितने टाइम से वेट कर रहे हैं? 4 घंटे से, है ना? हाँ। और बस ने कुछ छोड़ भी दिया है, आ गई लाइट टूट गई है। लाइट भैया बहुत मुस्कुरा रहे हैं, भैया को गम नहीं है कि भैया की हेडलाइट ही टूट चुकी है। जयपुर जयपुर आओ आओ जयपुर जयपुर। कितने मैडम टिकट आ जाते हैं नॉर्मल वाले भैया आपका जयपुर 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 जयपुर। मामा कितना काम करे मैं देख नहीं सकती, मैं आंखें बंद कर रही हूँ। गाइस हम पहले अपनी बस में, क्योंकि बहुत वो लेट हो गया था ना, ऐसा लग रहा है, तो हम बस में पहले पूजा करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। और मैं पापा मम्मा को हमारे सब हमारे साथ ही जा रहे हैं दोनों। पहले हम करेंगे पूजा। अब करते हैं न्यू जर्नी स्टार्ट। गाइस हमने बोला हम भी इसमें जाएंगे, यकीन नहीं कर रहा है। झूठ है, एवर एवर नहीं हो सकता है। देखो अब ये ऐसे मना कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं जा रही। अप्रैल फुल अभी मना रही है क्या? देखो हमारे गेस्ट कितने कम है। चलो गाइस कितनी बज गई है, काफी जगह बज गई। एक्साइटेड हो सर? यस। हिप हिप हुरे। मम्मी यहाँ बैठ चुकी हैं, पूनम दीदी, नवीन और दिव्या दीदी उधर हैं। दिव्या दीदी कहाँ हैं? ये तीनों इधर हैं, हमारी टीम पीछे वाली गाड़ी में है। दिव्या दीदी पता नहीं कहाँ हैं। यही हो रहा है, कोई कहाँ है कोई कहाँ नहीं है। हम लोग निकलते हैं भाई, हमें बहुत हो गया लेट। यहाँ पर हम निकल चुके हैं, मैंने हेयर टाई कर लिया बिकॉज मुझे ओपन हेयर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मम्मी एक्साइटेड खुश है मम्मी? हाँ तो बोलो। हाँ खुश, बेटी को विदा करने के लिए। हाँ मम्मी ने बोला कि मैं रोऊंगी बिल्कुल भी नहीं। अब देखते हैं कि कौन रोता है और कौन नहीं। ये हमारी बस ये जा रही और कोई देख नहीं रहा है। देख तो रहे हैं दीपक भैया। अरे देखो कोई देख ही नहीं रहा है। मामी तो सो रही है। मेरी हार्ड वर्किंग मम्मी यहाँ पर सो चुकी हैं। ओके उठ गई। मैंने यहाँ पर मम्मी को डिस्टर्ब कर दिया, बट माय पॉइंट वाज कि एक सिंगल लेडी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है हर चीज मैनेज करना। तो मेरी मम्मी के लिए भी वैसे ही है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट मैं अपनी मम्मी के साथ। डिफिकल्ट था सब कुछ करना, बट फाइनली सब हो गया अच्छे से। तीनों को देखो कैसे आ रहे हैं। दीपा दीदी ने रुक के मुझे इमली दी है कि कुछ खा ले।
ये देखो ये सब बकरियों को लेकर जा रहे हैं, भेड़े भेड़ों को लेकर जा रहे हैं, और एकदम से पहले कार रोक देनी चाहिए थी वरना पता नहीं क्या हो जाता। कितनी सुंदर लग रही ना मम्मी, गंजी हो रही है मगर ये अभी सारी उन मम्मी ने निकलवा ली है। मम्मी मैंने अभी फोन किया है, गुची गए अपने भाइयों के पास और ये सब शांत है और सैड भी है क्योंकि घर पे कोई नहीं है। देखो 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 कितना प्यार उमड़ रहा है इनके बीच में। मम्मी देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों। वहाँ पर कोई नहीं है इसलिए गुची बड़ा, शीरो बहुत शांत है, शीरो को सब हर कोई चाहिए, ऐसा ऑस्कर नहीं है मगर शीरो है और गुची को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हर जगह जाके घूम जाता है। हम लोग टाइम से जयपुर पहुंच गए, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग टाइम से हैं। एंड मम्मी आर यू रेडी, सब वेट कर रहे हैं आपका उधर, आपका कर रहे हैं, कह रहे हैं मोहिनी जी जब आएंगी तभी हमें अच्छा लगेगा। भाई पहुंच गए हम लोकेशन पर, कैसा लग रहा है भाई? बहुत मतलब जो बीच में भी रास्ता आया था ना हमने जहाँ से लेफ्ट किया था, हाँ भाई मजेदार अच्छा रास्ता था, जैसे गांव जैसा उत्तराखंड जैसा। हाँ कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टोरी डाली थी अपने, मैं देखी थी गांव और उसकी याद आ गई भाई, मतलब वो रास्ते को देख के मजा आ गया। हम तुषारा निकेत का वेट कर रहे थे, नहीं कहाँ रह गए, और हमारा होटल यहाँ पर है। तो मैंने अभी अभी नोटिस करा कि बुआ के बाल भी घुंघराले हैं, पापा के तो एकदम घने काले, ये कलर कराया काले हैं? नहीं काले हैं बेटा, झूठ मत बोले। नहीं बेटा कलर नहीं कराया, नहीं भाई इनके जीन्स में तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे बाल इतने सिल्की सिल्की क्यों है, यश के भी ऐसे हैं, करण के गए पापा के बाल। भाई आपके और बुआजी के बाल तो दोनों के सेम एकदम, बुआजी के बाल ध्यान से देखो, उनके एकदम घुंघराले काले काले से ऐसे बाल है। हाँ तो फिर देख रहा हूँ मैं तो दादा पहले तो आप ही पियोगे उसके बाद दादा, आपको पता नहीं है पापा आपके बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं घर पे। सबसे पहले चाचा जी लगे आ रही इधर, अरे पहले तुम लोग, अरे तुम लोग प्रधान जी रहेंगे, अरे लो तो सही तुम शुरुआत कर दो दादा, जल्दी कर दो शुरुआत, मुझे भी भूख लग रही है, मैं पी पाऊंगा जल्दी कर दो। लो मैं देखो ये मेरे कपड़े पड़े थे, ले चाय रेडी है और शायद पकौड़े भी हैं। बस में क्यों नहीं जा रहे रिकी, क्यों नहीं जा रहे बात उल्टी कर दी गेस्ट ने, मेडिसिन एक डब्बा है कुछ काम नहीं करा।